सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय YouTube चैनल स्कूलिंग क्लासेस। स्टूडेंट, नवंबर माह का असाइनमेंट आप लोगों का आ चुका है, जिसको कि आपको 10 नवंबर तक जमा करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर लेके आया हूँ और सभी को समझाऊंगा उसका आंसर किस प्रकार लिखा जाए तो हमें अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले यह बता दूँ, हम इस असाइनमेंट का किसी भी प्रकार से व्यवसायिक या दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, तथा मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चों की मदद करना है ताकि वह अपने असाइनमेंट को पूरा कर पाएँ। जो बच्चे असाइनमेंट करने में असमर्थ हैं अभी, वे बच्चे इस वीडियो को के माध्यम से अपने असाइनमेंट को कर लें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन हम लोग को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर वन ये बोल रहा है कि स्वामी आत्मानंदस्य जीवन परिचयम सत शब्देषु हिंदी भाषायाम लिखत। मतलब स्वामी आत्मानंद का जो जीवन परिचय है उसको 100 शब्दों में हम लोगों को लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो आप इसको देख कर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से लिखें। और वीडियो में थोड़ा सा देरी इसलिए होता है कि यहाँ पे मैं जो भी कंटेंट देता हूँ, जो भी आंसर देता हूँ, ये मैं एक खुद टीचर होने के नाते यहाँ पे जो भी लिखता हूँ वो पहले खुद देख लेता हूँ कि सही है, कैसा है, कैसे बच्चे लिखेंगे, उसके बाद ही मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ आप थोड़ा कोऑपरेट करें, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लेट में आता है, क्योंकि असाइनमेंट लिखने में आप लोग को भी पता है कि थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है स्टूडेंट, नोट यहाँ पे यह प्रश्न का उत्तर है, ये जो क्वेश्चन नंबर दो है इसमें रेखांकित पद्यांश आघृत्य प्रश्नानाम कुरुता, मतलब यहाँ पे आंसर लिखा हुआ था, तो उस आंसर का हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाए, तो हम लोग इस प्रकार उसका क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, आत्मानंद केशाम कल्याण समर्पित, यहाँ पे उसका आंसर लिखा हुआ था, तो हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, ये आप लोग के हेल्प के लिए वीडियो है, तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग के सपोर्ट के वजह से ही मैं इसमें मोटिवेट होता हूं कि वीडियो बना सकूं। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से देख कर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। स्टूडेंट आपको जितने शब्दों में लिखा गया है उतने शब्द में आपको लिखना है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न द्विविध समास देशी विशेषत्व लिखता उदाहरणानि लिखता, ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये सभी मैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर लोग, वो अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो सब ये क्वेश्चन को पहले ही बता चुके होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं वहाँ से ही इस क्वेश्चन को लाता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं सभी का आंसर दे दिया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोलता है, अधोलिखितम पद्यानि प्रकृति प्रत्यय पृथक कृतः, इसका प्रकृति प्रत्यय लिखना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं सभी के आंसर दे चुका हूँ। ये पांचवा का ज्ञानम प्राप्नोति, ये पांचवे का आंसर है, आप इसको देख के अच्छे से लिख सकते हैं। आप कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे अच्छे से अच्छे कंटेंट में लिख पाए। ठीक है स्टूडेंट, आप अच्छे से लिखें इन सभी को। धन्यवाद।